क्वेश्चन सिंप्लीफाई, तो हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हम सबसे पहले जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम सिंपल में चेंज कर लेंगे। तो ये होगा 17 अपॉन 2 माइनस बिग ब्रैकेट, और ये होगा 13 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय, और ये होगा 5 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2, और ये 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 17 अपॉन 2 माइनस बिग ब्रैकेट। और इसमें हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करेंगे, तो इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो उसका एलसीएम होगा 6, 9 और 2 और 1। तो इक्वल टू 17 अपॉन 2 माइनस 13 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2, और ये होगा 6 अपॉन 6, और ये 6 से 6 कैंसिल हो रहा है। तो फिर अब हम इस कर्ली ब्रैकेट का वर्क करेंगे, तो इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4 और ये 5 माइनस 2, सो इक्वल टू 17 अपॉन 2 माइनस 13 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4, सो इक्वल टू 17 अपॉन 2 माइनस 13 अपॉन 4, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 4 अपॉन 3, और ये 4 से 4 कैंसिल, सो इक्वल टू 17 अपॉन 2 माइनस 13 अपॉन 3, और फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 6, और ये 51 और ये 13 to 26, और 51 में 26 लेस करेंगे तो ये होगा 25 अपॉन 6, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड में हम चेंज करेंगे तो ये होगा 4 होल नंबर 1 अपॉन 6 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।